कृष्णा को देख के भी मोटिवेट हो सकते हो कि ओवरकम कर सकते हो। आप सोच रहे हो मतलब इंसान का जो मॉरल रहता है या मोटिवेशन रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है, वो कहाँ मतलब जमीन के नीचे गड़ चुका होगा ऐसी हालत है मेरी। आज जो हमारे साथ गेस्ट है उनका नाम है कृष्णा, और इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब इन्होंने अपने लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं, लेकिन आज ये एक सक्सेसफुल करियर पे है, और आज इनका पैकेज भी बहुत अच्छा है। तो आज हम लोग ये सब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कृष्णा का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो ओवर टू यू कृष्णा। थैंक यू सिद्धार्थ आपके चैनल में आने के लिए एंड ये पॉडकास्ट करने के लिए। हमने बहुत प्लानिंग की, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत अच्छा जाएगा। एंड वैसे 2017 में मैं पास आउट हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया है एंड कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया है। एंड फिर वैसे हूँ फैमिली फैमिली बेसिकली आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो मैं बहुत जगह घूम चुका हूँ, बहुत जगह रह चुका हूँ। अभी करेंटली बैंगलोर में हूँ। एंड वैसे 2017 में पास आउट किया। 2017 में पास आउट करने के बाद इंजीनियरिंग किया था, तो फिर उसके बाद आईटी कंपनी में काम किया। एंड मे बी आगे चलते चलते हम जानेंगे कौन सी कंपनी क्या सब काम रहा। फिर उसके बाद अभी करेंटली मैं एक बिग डेटा इंजीनियर हूँ एंड मोस्टली इन सब में काम कर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत यूट्यूब कर लेता हूँ तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट जॉब से। तो आप आपके फर्स्ट जॉब के बारे में बता सकते हो कि आपको कितनी सैलरी मिली और आपका फर्स्ट जॉब क्या था? हम थोड़ा पीछे जाएंगे, ठीक है। क्या करते हैं, इंजीनियरिंग से स्टार्ट करेंगे। सो ठीक है, इंजीनियरिंग वैसे आप लोग अगर जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं तो वैसे सब लोग मोस्टली ठीक ठाक कॉलेज से ही होंगे, जहाँ पे कम से कम दोस्त तो होंगे बात करने के लिए। 60-70 लोग हो सकते हैं अपने क्लास में हो या कॉलेज में या सब ब्रांच मिला के। तो मेरी परिस्थिति थोड़ी ज़्यादा अलग है, ठीक है। तो मीन्स जैसे टायर 3 से भी नीचे वैसा कुछ बोल सकते हैं, तो वैसा हो जाए कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते जो मेरा स्टैंडर्ड या फिर जहाँ मैं पढ़ रहा था। कि हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग अगर 7 डिफरेंट ब्रांच होंगे, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये सब मिला करके 6-7 ब्रांच हो जाते हैं, और उसमें 4 ईयर्स होता है। तो हर एक क्लास में अगर 60-70 या 50 बच्चे भी पकड़ोगे तो भी 2-3 हज़ार बच्चे हो जाते हैं कॉलेज में। कुछ ना सही तो कम से कम अपनी क्लास में तो 50-60 बच्चे हैं मोस्ट हाँ मोस्टली। बट मेरा मेरा ऐसा है कि मैंने 3rd ईयर में आके हमारा एनुअल डे हुआ, और एनुअल डे में मैंने देखा 70 बच्चे टोटल ये परिस्थिति थी कॉलेज की। टोटल चारों साल मिला दो, पूरे 7 डिफरेंट ब्रांचेस मिला दो, उन सबको मिला करके 70 बच्चे आए थे एनुअल डे में। चाहे वो सुपर सीनियर हो, सुपर सुपर सीनियर हो, जो 5-6 साल से ईयर बैक लेके बैठे, उन सबको मिला करके 70 या 80 मैक्सिमम बच्चे होंगे। और मेरी क्लास में, खुद की क्लास में, हम तो 1st ईयर में तो जैसे कि सब्जेक्ट सिमिलर होते हैं ना, तो उसमें तीन तीन ब्रांच को मिला के बिठाए तो तब जाके 10-12 बच्चे हुए थे। और जैसे 2nd ईयर में मैं कंप्यूटर साइंस भी गया, बस 4 बच्चे थे मेरी क्लास में। इंजीनियरिंग कॉलेज है, बाप मैं वैसे जगह में हूँ, 4 बच्चे बस। आप सोच रहे हो मतलब इंसान का जो मॉरल रहता है या मोटिवेशन रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है, वो कहाँ मतलब जमीन के नीचे गड़ चुका होगा ऐसी हालत थी मेरी। और वह मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं केंद्रीय विद्यालय आर्मी स्कूल में, ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ पे हमारी एक सेक्शन नहीं, पाँच पाँच छः छः सेक्शन होते थे। हर सेक्शन में 60-70 बच्चे होते थे, मतलब एक क्लास में करीब 300-400 बच्चे होते थे। और वहां से मैं आया हूँ, 4 बच्चे मेरी क्लास में 2nd ईयर में बैठे हैं, उसमें से एक ईयर बैक मतलब है ऐसी एक्चुअल हालत में थी। तो तीन ही है। तीन ही है, उसमें से एक ईयर बैक है, और उसमें से भी CSIT, CSIC 2 डिफरेंट ब्रांच होती है ना, दोनों को मिला के बिठाए तब 4 बच्चे हुए हैं, ऐसी हालत है। और वहां से फिर 4th ईयर, जैसे मैं 7th सेम में आया, 7th सेम क्लियर किया, तब से ही मैं जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया। पता तो था कैंपस सेलेक्शन कुछ होने नहीं वाला, कौन आएगी, कंपनी क्यों आएगी इधर, कोई क्यों आएगा, हम खुद नहीं आना चाहते हैं, बस अटेंडेंस की वजह से जबरदस्ती आ रहे हैं। बट ऐसा था, मेरे HOD थोड़े सपोर्टिव थे। मैं कॉलेज का नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, अच्छा प्लेटफॉर्म है, कॉलेज ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे HOD टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। तो उसके बाद फिर 7th सेम में ही जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया, मतलब 7th सेम खत्म होते ही 8th सेम में। तो लकीली 8th सेम खत्म होने से 2-3 महीना पहले ही पहला ऑफर लेटर आ गया था। ऐसे दो ऑफर लेटर आए,
दो ऑफर लेटर नहीं, मतलब एक ऑफर लेटर आ गया था, ज्वाइनिंग डेट बता दिया था, कॉलेज खत्म होते होते फाइनल एग्जाम के जस्ट 4-5 दिन बाद ही मैंने ज्वाइन कर लिया था, ज्यादा वेटिंग पीरियड रहा नहीं मेरा, सो दैट वे आई फील आई एम लकी, ब्लेस्ड, भगवान अच्छा आशीर्वाद है ऐसा हुआ। एंड उसके बाद एक और ऑफर लेटर आने का चांसेस थे, बट मैं उस टाइम में क्या कहते हैं, आप लोग सब जानते होंगे SSB इंटरव्यू देते हैं ना आर्मी के सिलेक्शन के लिए, तो वहाँ गया था, उस टाइम में इंटरव्यू सेकंड राउंड थर्ड राउंड नहीं कर पाया। और तो फर्स्ट जॉब था ना उसमें मेरे ऑफर लेटर में लिखा था प्रोग्रामर सिस्टम एनालिस्ट ऐसा करके लिखा हुआ था, ठीक है, ऑफर लेटर में। वहाँ जाके गए, फिर भी पढ़ रहे थे एक दो महीना, जो ट्रेनिंग चलती है बेसिक सबकी चलती है, इंडक्शन वो सब चल रहा था। उसके बाद जब काम स्टार्ट हुआ तो मैं वहाँ पता चला कि मेरे को फोन उठाना पड़ता था, कॉल लेना पड़ता था, बेसिकली टेक्निकल सपोर्ट बोलोगे आप, मेरा मतलब मेरे को याद हो चुका, थैंक यू फॉर कॉलिंग आईट्रॉनिक सपोर्ट ये वो ऐसे करके, हाउ कैन आई हेल्प यू, वैसे था मेरा पहला जॉब। एंड ऐसा कुछ हुआ जॉब में, पहला जॉब ऐसे लैंड हुआ। तो आपने फर्स्ट जॉब कैंपस प्लेसमेंट तो हुआ नहीं, मतलब आपने खुद जाके बाहर ढूंढा, बराबर? सही है, सही है। और आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या थी? हाँ, तो स्टार्टिंग सैलरी कुछ मेरे को 3.5 लाख या 4 लाख का पैकेज मिला था, विच कम्स आउट टू बी समवेयर अराउंड 25-26,000 का मिलता था, बैंक अकाउंट में आता था, नहीं था टैक्स वैक्स कट के, टैक्स कट के। कृष्णा आपने तब तक मुझे पता है वही कंपनी में आपने 4 साल तक काम किया, तो आपकी सैलरी क्या थी फिर अगर आपने 4 साल वो कंपनी में हो गए तो उसके बाद? हाँ, तो क्या कहते हैं, मैंने जैसे स्टार्ट किया था अराउंड 3.5 के आसपास से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद वहाँ रहते रहते अप्रेजल ठीक ठाक ही मिले थे, ऐसे मतलब अब बात करने से पता चलता है ना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है ये वो करके, वैसे तो कुछ पता नहीं था, कॉलेज में तो कुछ पता ही नहीं था। तो वहाँ पे मिलने के बाद टोटल करीब 7 के आसपास आ गया था, लगभग आसपास 7 के आसपास। और ऐसा था क्योंकि मैं वहाँ नाइट शिफ्ट में काम करता था, वहाँ जो नाइट शिफ्ट अलाउंस है वो सब भी मिलती थी, तो शायद 7 से थोड़ा मतलब 6.5 से कुछ होगा और टोटल मिला के 7-7.5 के आसपास रहेगा, 7 एवरेज पकड़ सकते हैं, उतना हो गया था, 4-4.5 ऑलमोस्ट 100% हाइक हो गया था 4 साल के बाद, 4 साल में, करेक्ट। तो एक क्वेश्चन था कि आपने जबकि आपका काम टेक्निकल सपोर्ट का था बराबर, और ऑफर लेटर में तो प्रोग्रामर मेंशन किया था, और आप एक इंजीनियर थे बराबर, तो आपको कंपनी में 4 साल तक रहे, उसका कुछ रीजन था क्या? रीजन मतलब ऐसे कोई प्लान तो था नहीं कि 4 साल मेरे को रहना है, बट ये एक था कि मैं कंफर्टेबल बहुत हो गया था। मतलब आप एट द एंड ऑफ द डे एक इंजीनियर जब कॉलेज में जाता है काम करता है तो वो सोच रहा होता ना कि मैं एक ऐसे बड़े कंपनी में काम करूंगा, मेरा लैपटॉप होगा, स्क्रीन होगा, ये होगा, फिर वहाँ पे जाके हम पूल खेलेंगे, कैरम बोर्ड खेलेंगे, कोई टेबल टेनिस खेलेंगे, ऐसा सब सबके दिमाग में रहता है, और मेरे दिमाग में तो वो भी था नहीं, मेरे को पता ही नहीं था कुछ कि IT कंपनी कैसे होती है, वैसे गूगल माइक्रोसॉफ्ट इन सब का वीडियो देख रखा था, तो ऐसा था कि अरे बड़ी बड़ी होती है ये होती है फलाना ढिमका होता है, बट वैसे हम अब तो मेरा मतलब पता ही था ना कॉलेज टाइम में मेरा कहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ था, मैं सोच ही नहीं सकता था कि वहाँ तक जाऊँगा, तो बाकी कोई भी कंपनी अपने लिए तो भाई स्वर्ग जैसा हो गया। तो फिर हम गए जब वहाँ पे देखा भाई इतनी सारी फैसिलिटी है, ऐसा मस्त चेयर, इतनी साफ सफाई है ये सब, तो वो उस जगह में मैं कंफर्टेबल हो गया था, और एट द एंड ऑफ द डे मंथ के एंड में सैलरी आ रही है अच्छी एंड सब कुछ अच्छा चल रहा है, काम भी अच्छा है, और उस टाइम कैब फैसिलिटी भी देते थे, नाइट शिफ्ट में काम करता था तो कैब फैसिलिटी भी देते थे, तो आने जाने का कोई टेंशन नहीं, वो मैंने दर्द देखा नहीं कि ट्रैवलिंग का दर्द क्या होता है, तो उसमें मेरे को कंफर्टेबल लगा, चीज़ें मतलब स्टेबल थी। उससे पहले जैसे इंजीनियरिंग में इतना ट्रैवल कर रहा था मैं, और फिर वहाँ जा करके पढ़ने का मन नहीं हो रहा, ये सब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, वो सब चीज़ें क्या कहते हैं छोड़ के उस मतलब उतना हार्डशिप देख करके फिर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मतलब एक स्वर्ग जैसा फीलिंग बोला ना मैंने वैसे आ गए थे, तो उस टाइम से मैं बस वही सोचता रहा, बट मतलब हर दिन फील जरूर होता था कि यार क्या है नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ, मतलब 1-2-3 साल के बाद जैसे जब बॉडी में चेंजेस आने लगे, तब तो यंग रहते हो, बॉडी फिट है, मैं एथलीट भी रह चुका हूँ, तो उस टाइम में कोई फील नहीं आया, बट जब जैसे मैं ये नाइट लेट नाइट काम करने लग गया, फिर मेरे स्लीप जब डिप्रिशिएट होने लगे, स्लीप में कॉम्प्रोमाइज़ करने लग गया, हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज़ करने लग गया, फिर जब ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आए, फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ आए, ये सब जो इश्यूज़ आने लगे, फिर रियलाइज़ हुआ यार आई एम एट द रॉन्ग प्लेस, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है करके, तो बट वो रियलाइज होने में 4-4.5 साल लग गए मेरे को, तो इसीलिए अब ऐसा कुछ प्लान तो किया नहीं था मैंने। मतलब नॉर्मली ऐसा ही होता है, मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा है कि हम लोग अगर फर्स्ट कंपनी में जाते ना
एक तो कभी हम लोग ने काम किया हुआ रहता नहीं, और इतनी बड़ी बिल्डिंग ऐसा सब देखते तो लगता है हाँ बस अभी इधर ही सेटल होना है, उसी में 4-5 साल निकल ही जाते हैं। निकल ही जाता है, सही बात है। लेकिन एक पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला, हाँ बोली बोली, के हेल्थ है वो, अगर वो अफेक्ट हो रहा है तो कोई टेंस ही नहीं बनता आप काम कर रहे हो, क्योंकि फाइनली लास्ट में आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप हेल्थ को ज्यादा अफेक्ट नहीं कर सकते। सही बात है। हाँ, ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग समझते नहीं है यंग एज में भी, सोचते हैं पैसा है, बट व्हेन यू कम टू अ स्टेट, आप टेबल के इस साइड में सोचेंगे ना कि पैसा सब कुछ नहीं है, क्योंकि इतना पैसा आने के बाद कितना ही खाओगे यार, कहाँ खाओगे यार, 5-स्टार होटल में जाके हर दिन तो नहीं खाओगे ना, गाड़ी वाड़ी चलाओगे, कौन सी गाड़ी चला लोगे हैं, अभी जितना सैलरी है उतने में हायाबुसा भी खरीद सकते हैं, बट क्या हायाबुसा थोड़ी हर दिन लेके जाओगे यार। एक लिमिट के बाद पता चल जाता है कि यार मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे हेल्थ बहुत, मतलब आप पैसे कमा लोगे फिर बाद में हॉस्पिटल में एडमिट होकर के वो पैसे वहाँ खर्च नहीं खर्च करने हैं, तो वो एक टाइम पे पता चल जाता है, फिर उसके बाद बहुत मतलब यू हैव टू टेक, अच्छे से सोचना होता है, फिर आगे बढ़ना होता है। बट वेर एज अच्छा लगा कि 4 साल में कम से कम समझ आ गए, और ज़्यादा 40 साल तो नहीं लगे कम से कम। वो एक था, और एक और सेकेंड चीज़ होती है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ ये तो कैसा होता है, हम लोग 10-15 साल भी निकाल देते हैं, बहुत लोगों को देखा है जो एक ही कंपनी में 10-15 साल निकाल दे और बाद में रिटायर हो जाते हैं, बस हमारा यही करियर था, तो वो भी सही नहीं है। और एक और चीज़ मेरे को ऐसा लगती है कि गाइडेंस का एक बहुत बड़ा रोल है, और जितना जल्दी हमको गाइडेंस मिल जाए ना, मतलब एक तो हमें कन्विक्शन रहना चाहिए कि जो मेरे को गाइड कर रहा है वो सही बंदा या बंदी या जो भी है, ठीक है, क्योंकि आप किसी से गाइडेंस नहीं लोगे ना, आप सोचोगे मैं ही करूँगा खुद, मतलब आजकल रिसोर्सेस बहुत हैं, बहुत नॉलेज है एनवायरनमेंट में, आपको मिल सकता है, एक पक्का ऐसा गाइड होना चाहिए जिनको आप सुनोगे, तो उस तरह का कोई गाइडेंस देते। मेरे आईटी करियर में मेरे को कोई ऐसा गाइड मिला नहीं अनफॉर्चुनेटली, तो उस वजह से भी शायद मेरे को लगता है कि आई टुक सो मच टाइम टू ग्रो मे बी, और अभी इसीलिए क्या कहते हैं, मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कम से कम जो भी इंजीनियरिंग है जो कोडिंग नहीं करना चाहते, डेवलपर जैसे काम नहीं कर सकते, कम से कम टेस्टिंग में बहुत स्कोप है, उस तरह से कम मैं अपने वीडियो के माध्यम में बताना चाहता हूँ, और उसमें ऐसे भी एंड उस तरह से आप भी जैसे ऑटोमेशन इंजीनियर हो, तो उस तरह से हम लोग बहुत कुछ, कम से कम हम छोटे लेवल पे ही सही, बट बहुत कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं लोगों के लाइफ में, कि हाँ यार हमसे भी गाइडेंस ले लो, हमने जो गलतियाँ की हैं, हमने जो टाइम वेस्ट किया आप मत करो, आप जल्दी जल्दी सीख जाओ कम से कम, तो उस हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शायद मेरे को कोई इंजीनियरिंग के टाइम में 3rd-4th ईयर में कोई गाइड कर दिया होता, क्योंकि मेरा तो कोई फर्स्ट जनरेशन इंजीनियर हूँ, तो 4-5 साल में कोई रहा नहीं, और कोई इतना क्लोज नहीं रहा जिनसे मैं ओपनली जाके पूछ सकूँ भैया दीदी या कोई गाइड कर दो, तो उस तरह से भी शायद 4.5 साल लग गए। और मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा ही है, मतलब मेरे यहाँ पे भी मैं ही अकेला इंजीनियर हूँ, तो करते करते सीखते सीखते हम लोग सीख तो लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, वो इतना टाइम निकल जाता है ना, तो यही रीजन है ना कि हम लोग ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, कि भाई हम लोग ने इतना टाइम निकाल दिया, मतलब अभी मेरे को भी 9 साल हो गए, आप वो शायद 4-5 साल या 3 साल में पहुंच जाओ ना, वो गलती मत रिपीट करो, दूसरी कोई गलती रिपीट करो। सही बात है। तो कृष्णा, आपने जैसे बोला कि आप तो अभी टेक्निकल सपोर्ट में थे, बराबर, हम लोग वहां पे जाते हैं, तो उसके बाद तो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस थे, बराबर, आप डेवलपर बन सकते थे, डेवऑप्स में जा सकते थे, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ही क्यों चूज किया फिर आपने? अगेन फिर वही गाइडेंस वाली बात में आऊंगा मैं, क्या कहते हैं, वहां पे भी किसी का गाइडेंस मिला नहीं, और मैं भी शायद मेरे को बोल सकते हैं, मैं भी थोड़ा इमेच्योर जैसा था, कि मैंने बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश की, बहुत सारे वीडियोस देखे, आर्टिकल्स पढ़े, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बहुत कुछ ट्राई किया जानने का, इवन डेमो क्लासेस भी लेने का, मैंने एक पाइथन का वेब डेवलपमेंट कोर्स हो गया, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स हो गया, ऐसे भी गया, डेमो क्लास लिए, बट पता नहीं कुछ तो सेट नहीं हुआ, एंड वहाँ पे कंसिस्टेंसी भी लैकिंग थी, क्योंकि मैं हूँ जो बंदा कि कुछ कर रहा हूँ तो कंसिस्टेंटली करके उसको ख़त्म करूँ, मुकाम तक लेके जाऊँ, मेरा हर समय दिमाग में ऐसा रहा है, करो तो अच्छे से करो, नहीं करो तो मत करो यार, ऐसे मतलब मन मार के करने वाली चीज़ मज़ा नहीं आता, तो उस चीज़ में मेरे को थोड़ा कन्विक्शन था, तो फिर मैंने जब 2-3 चीज़ें ट्राई की वहाँ पे मेरे को, और ऑनलाइन में मेरे से पढ़ने नहीं होता है, मैं वीडियो वाला बंदा नहीं हूँ, मैं वीडियो में नहीं सीख सकता, एटलीस्ट तब नहीं था, अब बहुत कुछ चीज़ें मैं बस वीडियो देख के सीख लेता हूँ, मैं बहुत मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका हूँ, तो उस टाइम में मेरे को ऐसा लगता था कि क्लासरूम में जाके सीखूंगा तो ही हो सकता है मेरे से, एक मेंटल ब्लॉकर जैसा बोल सकते हो, तो वैसा मेरे सोच में था, तो उस वजह से फिर मैं क्या कहते हैं
कुछ प्लान नहीं कर पाया। और फाइनली मेरे एक बड़े भाई, जैसे बोलो कि उनको अंकल बोल सकते, बड़ा भाई भी बोल सकते हैं, मेरे से बड़े हैं, उनने एक कोर्स किया था टेस्टिंग का, ETL टेस्टिंग का कोर्स किया था। तो उनने जो ETL टेस्टिंग का कोर्स किया, उनने बोला 15,000 का कर ले, और मैं जो भी कोर्स देख रहा था 20-25,000 का देख रहा था। मेरे को वैसे पैसे खर्च करने प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने बोला 15,000 चलो जाए तो जाए, कम से कम कुछ तो पढ़ के आऊँगा, कुछ सीख के आऊँगा। और मैं जब डेमो क्लास में गया, वहाँ SQL की बातें हुई जो मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, मैं समझ सकता हूँ, कॉलेज टाइम में पढ़ा हूँ, और टेक्निकल सपोर्ट में भी जब काम कर रहा था, थोड़ा बहुत डेटाबेस में काम करना पड़ता था, उससे भी थोड़ा टच था, ऐसा नहीं कि सब कुछ मिस हो गया था। उस हिसाब से फिर मैंने सोचा कल करते हैं, देखते हैं, कुछ हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं, कोई नहीं। तो फिर उस तरह से मैंने एक जस्ट तुक्का जैसे मारा, चलो करते हैं करके, वो फिर कर हो गया और क्या। मतलब बाय चांस आ गए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, लेकिन आपने ट्राई सब कुछ किया, पहले डेव में भी जाने की कोशिश की, इधर भी जाने की कोशिश की, फिर लगा कि हाँ, क्योंकि आपका मेन मोटो शायद उधर ऐसा था कि मैं एक बार टेक्निकल सपोर्ट से निकल जाओ और एक बार IT में आ जाओ, भले फिर कोई भी रोल मिले, करेक्ट भाई? एकदम सही, पर पहले यही था, बस यही थॉट था, उधर से निकलो पहले, बाद में देखेंगे दुनिया क्या है। मतलब ये अच्छी एडवाइस है। नॉर्मली क्या होता है पता है, जो लोग नॉन IT में होते हैं ना, वो लोग सोचते हैं नहीं भाई, मैं तो IT में सिर्फ डेवलपर ही बनूंगा, बाकी कुछ बनूंगा ही नहीं। वो गलत है, आप एक बार IT में आ तो जाओ, बाद में आप QA से डेव में जा सकते हो, बहुत सारे करियर पाथ खुल जाते हैं उसके बाद आपके। बहुत 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 मीन्स एक टाइम में जब चलो आपने कुछ नहीं, क्योंकि एकदम से आप तो पहले नॉन टेक में हो या BPO में काम कर रहे हो या पूरा नॉन टेक्निकल काम कर रहे हो, वहां से एकदम डेवलपर स्विच करना आप सोच रहे हो, मतलब आप यहाँ बिल्कुल समझ लो जिम की बात करते हैं, जैसे जिम में जाते हो, वेट्स बिल्कुल नहीं उठाते हो, और आप जब बोलते हो मैं जाऊँगा सीधा 50 kg डंबल्स मारूंगा, दैट पॉसिबल नहीं है। कम टू रियलिटी भाई, 5 kg करो, 10 kg करो, 15 करना। और जब टेस्टिंग करते हो आप समझते तो हो सॉफ्टवेयर कैसे होता है, क्या होता है, टेस्टिंग समझोगे पहले, टेस्टिंग समझो तो सही। और सब लोग भी, मैं भी कई देखा है, ऑटोमेशन भाई, पहले टेस्टिंग में आओ, पहले पढ़ो, ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करो पढ़ना, उसके बाद ऑटोमेशन, ये वो पूरी दुनिया है तुम्हारे लिए। और आजकल YouTube जैसा प्लेटफॉर्म है, इतनी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है, फ्री में हर जगह कुछ भी सीख सकते हो आप, बस एक चीज पहले स्टार्ट करो। मेरे लिए सबसे पहले यही रहेगा कि जो भी नॉन टेक में ना, पहले टेस्टिंग सीख लो यार, आ जाओ कोई भी एक टेस्टिंग करो, ETL टेस्टिंग है, डेटा वेयरहाउस टेस्टिंग है, ऑटोमेशन है, जावा सेलेनियम हो गया, वेब हो गया, मोबाइल हो गया, इतनी सारी चीजें टेस्टिंग में ही है, पहले इस एक में घुस जाओ, बाकी आगे फोड़ते रहना जो भी है। क्योंकि मैं खुद अभी घुसने के बाद मेरे को इतनी सारी चीजें पता चली है, मेरे को एक कम से कम नेक्स्ट 10 years का करियर अप्रोच मेरे लाइफ में मेरे को क्लियर हो चुका है। और जो मेरे से कभी भी बात करता है, पर्सनली बात करता है, ऐसा कुछ करता है, तो उनसे भी मैं यही एडवाइस करता हूँ, आप नॉन टेक में तो पहले कम से कम कोई एक भी टेस्टिंग स्ट्रीम में आ जाओ, बाकी आपको अपने आप पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा तो फिर भी हम गाइड कर देंगे कम से कम। बट ये है कि ट्रस्ट रहना चाहिए भाई, जो गाइड कर रहा है वो बंदा यहाँ से आया है ना, पर वो बता सकता है, ठीक है, हिज वे मे नॉट वर्क आउट, कि उसका जो तरीका है वो तुम्हारे लिए ना काम करे, बट कम से कम पाथ, जो रास्ता है वो तो क्लियर हो गया ना, कि हाँ भाई इसकी तरह जाएंगे कम से कम, यहाँ से दूसरा डायरेक्शन भी ले सकते हैं, बट पहले स्टार्ट तो करो। वो चीज आपने बहुत अच्छी बोली कि पहले लोग सोचते हैं डेवलपर भाई प्रैक्टिकल आ जाओ यार, प्रैक्टिकल आ जाओ पहले। क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैं भी मैनुअल टेस्टिंग में ही था, लेकिन मैं मैनुअल टेस्टिंग में था, इसने मुझे पता चला कि हाँ अभी ऑटोमेशन में जा सकते हैं, जैसे बोला आपने ETL में जा सकते हैं, तो एक बार वो बात में आते तो समझ में आता है, तो मैं बाहर से ही सोचता था अरे मैं ऑटोमेशन बन जाऊँ क्या, डेवलपर सोचने से नहीं होगा ना। प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा लोगों को कि कितना टाइम लगेगा, कितना एफर्ट लगेगा, इतनी सारी चीजें हैं सीखने के लिए। पहली बात तो मैं खुद बोलूं, ऐसे डेवलपमेंट बोलने से मेरे को लगता था, हाँ मेरे को ऐसे कॉन्फिडेंस में लगता है कि हाँ कर लूंगा, बट आप सिलेबस देखोगे ना भाई, क्या क्या नहीं सीखना है, वो देख करके चक्कर आ जाएगा, पहला ऐसा ट्रॉमा में चले जाओगे तुम, भाई इतना सारा मेरे से नहीं होगा, उससे अच्छा टेस्टिंग है भाई, ये इतनी सी सीखनी है, इतना मैं सीख लूं पहले घुस जाऊं, इंटरव्यू क्रैक करूं, क्योंकि अपने आप में वो इतनी सारी स्टेजेस हैं, पहले तुम्हें अपने नॉन IT के दिमाग से बाहर आना पड़ेगा IT में, उसके बाद तुम्हें प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करना है, उसके बाद तुम जिस कंपनी में ज्वाइन करोगे, मतलब इंटरव्यू अपने आप में इतना बड़ा पहाड़ जैसा है उसको, क्योंकि हर एक इंटरव्यू का रिजेक्शन दिल तोड़ देगा, गिव अप करने के लिए तोड़ देगा यार, उसको फिर तुम लड़ के आओगे, फिर तुमको गलती से एक ऑफर लेटर मिल गया, ठीक है IT में, फिर वहां पे भी जाके प्रोजेक्ट क्या है, क्या नहीं है, क्या चीज है, टूल्स कैसे हैं, क्या है, वो सब समझने में अपने आप में 1-2 साल ऐसे निकल जाएंगे,
तो इसीलिए वो अपने आप में एक जर्नी है ग्रो होने का, मैं डेवलपर बनूंगा, बनो करो फिर हम बोल रहे हैं भाई उधर से आए हैं तो भाई थोड़ा समझ लो, ठीक है हमने 2 साल ले लिया, आप 2 महीने लेना, आधा साल में कर लेना, 1 साल में कर लेना, हम मना थोड़ी नहीं कर रहे हैं, बट ये है कि थोड़ा प्रैक्टिकली आ जाओ कि हाँ भाई इतना हो सकता है, धीरे धीरे ग्रो करेंगे। और मैंने जैसे देखा है कि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, अपना अपना टाइम होता है, ऐसे नहीं कि मैंने 3 महीने में कर दिया तो आप भी 3 महीने में, नहीं यार 6 महीने लो, आप मेरे से ज्यादा अच्छे तो 30 दिन में कर दो, उसमें क्या है, फास्ट लर्न कर सकते हो करो, जल्दी जल्दी करो, बट जल्दी जल्दी के चक्कर में भाई अपना हेल्थ मेंटल हेल्थ ये सब कॉम्प्रोमाइज ना कर दो, प्रैक्टिकली स्लोली अच्छे से चलो। मैंने जैसे देखा ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो अच्छा है बट वो स्लो है उसको थोड़ा स्पीड कर सकते हो आप, बट स्टडी रहना पड़ेगा आपको, एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए अगले दिन कुछ नहीं पढ़ा नहीं चलने वाला है, आपकी प्रैक्टिस पूरी तगड़ी होनी चाहिए। और मैं और कृष्णा ऐसे नहीं बोल रहे कि आप डेवलपर में मत जाओ, अगर आपको पोटेंशियल है, अगर आपको आता है तो जाओ, लेकिन अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो, और अगर आपको नॉन आईटी से आईटी में आना है तो आप टेस्टिंग के थ्रू आ सकते हो, वो आसान तरीका है। इसको ऐसे मत लेना कि हम लोग बोले कि डेवलपर मत बनो क्यूए बनो, क्योंकि हम लोग दोनों क्यूए है इसलिए। और नहीं, मैं खुद अभी डेवलपर बनने वाला हूँ, क्योंकि मैंने डेटा का देख लिया, बिग डेटा देख लिया, बिग डेटा टेस्टिंग देख लिया, ETL टेस्टिंग देख लिया, अब मैं खुद बिग डेटा इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, मैं खुद वो सीख रहा हूँ, मे बी शायद और 6 महीने में 1 साल के अंदर मैं बिग डेटा इंजीनियर बन जाऊंगा, ठीक है। बट मेरे को पता है मेरे को क्या करना है अभी, क्योंकि मैंने पहले टोटल नॉन आईटी में था, पूरा नॉन आईटी था, टेक्निकल सपोर्ट में था, वहां से जब मैं टेस्टिंग में आया, अभी मेरे को पता चल गया 2 साल में मैंने 4-5 प्रोजेक्ट में काम कर लिए हैं, अजोर में काम कर लिया, AWS में काम कर लिया है, GCP में थोड़ा काम कर लिया है, बिग डेटा के ऑन प्रमाइज प्लेटफॉर्म में हडूप हाइव इन सब में काम कर लिया है, ETL के कई टूल्स में काम कर चुका हूं, जैसे IBM डेटा स्टेज हो गया, क्या टैलेंट हो गया, इन्फॉर्मेटिका हो गया, फिर कई डेटाबेस हो गया, SQL हो गया, Oracle SQL हो गया, MS SQL हो गया, MySQL हो गया, इतने सारे चीज़ों में काम करने के बाद मेरे को भी कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं कर सकता हूँ, मेरा SQL भी मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग किया, तो उस हिसाब से फिर मैंने ऐसा भी पाइथन सीखा, स्पार्क सीखा, अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, तो उस हिसाब से धीरे धीरे मैं अपने हिसाब से ग्रो कर रहा हूँ। और हम कभी ऑब्वियसली हम यहाँ क्यों किसी को बोलेंगे, मैं खुद मेरे से भी जो कोई पर्सनल एडवाइस लेता है, अब वो यंग है समझ लो, अभी से कॉलेज से पास आउट हुआ है, भाई क्यों टेस्टिंग में आओगे, थोड़ा और 2-4 महीने ले लो, क्योंकि कोडिंग में अच्छे हो तुम, डेवलपर बनो डायरेक्ट, मैं खुद ऐसे एडवाइस करता हूँ, मैं क्यों बोलूंगा कि तुम मेरे पाथ में आओ। और एक चीज ये भी है कि जैसा सिद्धार्थ बोल रहे थे कि हम लोग नहीं चाहते आप डेवलपर बनो, और एक और चीज भी है, आप चूज करो क्यों आप डेवलपर बनना चाहते हो, इसलिए मत बनो कि उसको ज्यादा पेमेंट मिलती है, सैलरी के हिसाब से मत करो, क्योंकि मैं जैसे बोल रहा हूँ मतलब क्या कहते हैं, ऑब्वियसली हम इस सैलरी के टॉपिक में आए नहीं है, ये भी जब आएंगे तब इसको डिस्कस करेंगे, बट बस ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि हम सैलरी की वजह से हम डेवलपमेंट चूज करेंगे और फिर इतना टेंशन लेंगे भाई ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा ये सीखना है तो चूज योर फील्ड या स्ट्रीम या जो भी बनना चाहते हो, वो चीज़ लॉजिकली चूज करो, मैं कर सकता हूँ नहीं, या कर सकता हूँ तो कितना कर सकता हूँ, कितना मेरा ग्रोथ रहेगा, ये अच्छे से प्लान करके करो, बहुत अच्छा है। सिद्धार्थ बहुत अच्छा एडवाइस किए, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं करो, बट देख के प्लान करके करो भाई, अच्छा हो जाएगा। मैं और कृष्णा थोड़ा भावनाओं में बह के थोड़ा आगे आ गए, अभी वापस थोड़ा इनके जर्नी के पीछे जाते हैं, कि जैसे कृष्णा आपने बोला कि आपने एक कोर्स किया था, बराबर है, तो आपने उसके बाद क्या स्टेप्स लिया, मतलब आपने कोर्स किया फिर उसके बाद क्या स्टेप्स लिया जिससे आप टेस्टिंग में आ गए फिर? कोर्स लेने का रीजन जैसे मैंने बताया कि मेरे एक बड़े भैया जैसे हैं, उनने बोल दिया कोर्स कर लो करके, तो मैंने कर लिया, बट ये है ना कि यार बस कोर्स करने से कुछ नहीं हो जाता, आपको प्रैक्टिस बड़ी तगड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है, जो उनने सिखाया है वो सही सिखाया है, बट आपको क्या कहते हैं, अभी मैंने समझ लो 4 साल हो गए मेरे, तो मेरे को अगर 4 साल में मैंने क्या किया है वो अगर मेरे को दिखाना है तो मेरे को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना मेरा SQL स्ट्रांग होना पड़ेगा, मेरे फंडामेंटल्स जो हैं, मेरे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं वो इतने स्ट्रांग होने हैं, तभी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मैंने ये कुछ किया है, फोड़ा है, क्योंकि कि जो भी कंपनी है वो आपके इंटरव्यू में डिसाइड करेगी, आपके दिमाग में चीज़ है बट वो आपके प्रेजेंटेशन में नहीं आ रही है, फिर कैसे वो सेलेक्ट करेंगे आपको, तो इसीलिए वो क्या कहते हैं, आप अच्छे से प्लान, जैसे कि मेरे मेरे मैं हर समय कहता हूँ कि मेरे पूरे मतलब गोल अचीवमेंट के फेज में 3 मेन फेज आते हैं, जैसे कि आप पहले प्रिपरेशन किए, ठीक है, फिर इंटरव्यू फेज आएगा, फिर जॉब फेज आएगा,
तो जब जैसे भी जिस फेज में सब लोग प्रिपरेशन फेज कर रहे हो, आप इंटरव्यू कार में नहीं सोच सकते, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो आप सोचोगे इंटरव्यू में ये पूछ ले तो वो पूछ ले, दैट विल गिव यू एंग्जाइटी एंड आप उसमें फिर अच्छे से पढ़ भी नहीं पाओगे। तो आप प्रिपरेशन अच्छे से करो, अच्छे से समझो। एंड इस प्रिपरेशन में भी मैं तीन स्टेप बताऊंगा, ठीक है? बट पहले मैं ये तीन स्टेप करूँगा। जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इंटरव्यू के बारे में और जॉब के बारे में नहीं सोच सकते, आप बस अच्छे से प्रिपरेशन ही करो, उस पर फोकस करो, क्योंकि एनी अदर स्टेज विल गिव यू एंग्जाइटी और उसमें आप फिर अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। आप प्रिपरेशन अच्छे करते हो फिर आप इंटरव्यू फेज में आओगे। इंटरव्यू फेज में आप फ्यूचर फेज जो है जॉब का फेज उसके बारे में नहीं सोच सकते, यार मैं किस प्रोजेक्ट में जाऊँगा वो मेरे को समझ में नहीं आया तो क्या होगा, बिकॉज वो ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी की वजह से फिर आप स्ट्रेस लेने लोगे, फिर आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। तो आप इंटरव्यू फेज में बस इंटरव्यू दोगे कि मैं इंटरव्यू में अपना बेस्ट दूंगा, ऑफर लेटर आए या ना आए, मैं सेलेक्ट हूँ या ना हूँ, अपना बेस्ट मैं देने वाला हूँ इंटरव्यू में। तो अपने सेकेंड फेज में अपना ये बेस्ट दिया। जब थर्ड फेज में आएंगे, जब आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, आप काम करना स्टार्ट करोगे उस फेज में, उस टाइम पे जैसा पहला ऑफर लेटर आ गया फिर सोचना स्टार्ट करना इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद कंपनी में कैसे काम होती है। तो जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं उन लोगों से कनेक्ट करिए, लिंक्डइन में हो गया, यूट्यूब में हो गया, उन लोगों से सीखिए कि मेरे को काम कंपनी में काम कैसे करना होगा, क्योंकि आपके जो कोर्स में सिखाया जा चुका है वो आपको समझ में आ चुका है कि हाँ कोर्स में ऐसा होता है, ये है वो है, कंपनी ऐसे काम करती है, तो उन लोगों ने जो बता दिया ठीक है। बट अभी जो करंट आपका कोई दोस्त हो गया, कोलीग हो गया, या आप जिस कंपनी में भी काम कर रहे हो उसमें भी उन लोगों से पूछो जिन जो आपने कोर्स किया है, चाहे वो ऑटोमेशन हो या ईटीएल टेस्टिंग हो, कुछ भी हो, तो जो लोग ईटीएल टेस्टर हैं उनसे बात करो और जानो कि कैसे काम होता है कंपनी में। तो फिर आप यू विल बी मेंटली रेडी कि अब मेरे को ऑफर लेटर आ गया, मैं ज्वाइन करने वाला हूँ तो वहां पे जाके मैं ऐसे काम करूंगा। तो ये तीन फेज में हम एक एक स्टेप में जाते हैं, नहीं तो फिर बीच में आप इंटरव्यू के फेज में जॉब के बारे में सोचने लगे इंटरव्यू में खराब करने लग जाओगे, प्रिपरेशन में आप इंटरव्यू के बारे में सोचने लग जाओगे, प्रिपरेशन आपकी होगी नहीं फिर। तो इसीलिए धीरे धीरे ग्रो करना चाहिए। और मैं जब प्रिपरेशन का बोल रहा था ना, उसमें भी तीन स्टेज होते हैं। तो तीन स्टेज मेरे को जैसा फील होता है, अगेन मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, तो तीन स्टेज होते हैं। एक होता है आपने लर्निंग कर ली, ठीक है, जो कोर्स में पढ़ा रहे हैं या आप ऑनलाइन सीख रहे हो या कहीं से भी, उनने लर्निंग कर ली, ठीक है, यू हैव लर्नड इट। सेकेंड चीज होगा कि आप प्रैक्टिस करें उस चीज को अच्छे से, क्योंकि आपने SQL सीख लिया या जावा सीख लिया, बट आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप भूल जाओगे, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे वो रियल टाइम सिनेरियो पूछेंगे और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करते हो आप गलती करोगे वहां पे, अच्छा सेमीकोलन मिस हो गया, अच्छा ये मिस हो गया, अच्छा वो मिस हो गया, ये क्लॉज यहाँ पे आएगा, समझ लो SQL में हो गया, तो वेयर क्लॉज, हैविंग क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज, इसका सीक्वेंस होता है, आप ग्रुप बाय क्लॉज, हैविंग क्लॉज से पहले नहीं लगा सकते, मतलब वेयर क्लॉज से पहले नहीं लगा सकते, गड़बड़ हो जाएगी। आप ये गलती करते रहोगे प्रैक्टिस के टाइम, तभी आपको पता चलेगा। तो इसलिए सेकंड फेज में आप क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो। थर्ड फेज में प्रेजेंट करते हो, फर्स्ट में आपने लर्न किया, सेकंड में आपने प्रैक्टिस किया, थर्ड में आपने प्रेजेंट किया, क्योंकि कि एट द एंड ऑफ द डे आपने कितना भी यहाँ पे भरा हो बट अगर आपके मुंह से नहीं निकल पाएगा इंटरव्यू के टाइम, वो क्या बोलेगा, इस पर नहीं आता कुछ। इंटरव्यू तो यही समझेगा ना, आपका मन तो पढ़ नहीं सकता, वो आपका वही चीज से देख सकता है, भाई आप अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, भाई अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, उसने देखा भाई ये अच्छा प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आपके जो भी नॉलेज है वो प्रेजेंटेशन में निकलनी चाहिए। तो आप एक टॉपिक पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, तो वो आप प्रेजेंट करते हो, प्रैक्टिस करते हो कि मैं प्रेजेंट कैसे करूँगा, प्रेजेंट कैसे करूँगा, फिर उसमें इंप्रूवमेंट लाते हो, फिर आपका इंटरव्यूइंग स्किल्स जो है वो बढ़ जाती है। तो सॉरी मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, बट ये बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे बोलने। नहीं नहीं, ये इंपॉर्टेंट था, मतलब बहुत अच्छा पॉइंट था कि हैंड्स ऑन करो, क्योंकि जैसा आपने बोला SQL का, मैंने भी पहले थोड़े इंटरव्यू दिए, तो वो लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई ये SQL क्वेरी लिख, ये टेबल से ये डेटा लाना है, अगर मैं लिख ही नहीं पाया, भले मेरे को कितना भी आता हो, मैं बोल के नहीं हो पाएगा, मेरे को लिख के उसका रिजल्ट बताना पड़ेगा, तो ही वो लोग सिलेक्ट करेंगे ना, नहीं तो क्यों करेंगे। सही बात है, एकदम सही बात। फिर ठीक है कृष्णा, आपने वो कोर्स लिया, तो आपको फिर वो कोर्स में कितना टाइम लगा वो सीखने को, मतलब आपने फिर कितना टाइम दिया उसके लिए, और फिर आपने कोर्स लिया और उतने टाइम के बाद आपको मिल गया था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जॉब? हाँ, बेसिकली वहाँ थोड़ा लॉकडाउन का टाइम था, तो इसीलिए बीच में गैप हो गया, लॉकडाउन लग गई, एक दो महीने का गैप हो गया, तो मोस्टली 3-4 months में कोर्स खत्म हो जाता है, ठीक है, बट मेरे टाइम में 6 months लग गया, क्योंकि 2 महीना ब्रेक हो गया था, तो 6 months लग गया। और कोर्स खत्म होने के बाद मेरे को कम से कम 2 या 3 हफ्ते लगे होंगे, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस करने का अच्छा टाइम मिल गया था, मैंने प्रैक्टिस अच्छा किया था, और उस टाइम में थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रेस में था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो उस टाइम मेरे पास एक ही चीज़ था कि मेरे को प्रैक्टिस करना है, बस मेरे को पढ़ना ही है। उस टाइम में बाहर कहीं जा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो घर पे रहना है, तो घर पे रहना है, तो मैंने सब सोशल मीडिया सब कुछ सबसे कट ऑफ कर दिया, और मैंने बस पढ़ाई की। तो मेरा उस
उसी 6 महीने के अंदर हो गया सब कुछ। बट वैसे देखा जाए तो मोस्टली क्या होता है कि जितने टाइम का कोर्स होता है उससे 1-2 महीना एक्स्ट्रा लग सकता है प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे से तो लग सकता है। जो बिल्कुल ही नॉन आईटी से हो, उनका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा खराब हो तो उनको थोड़ा ज्यादा 2 महीना एक्स्ट्रा लग सकता है। पर जो ठीक ठाक कम्युनिकेशन है और जिनका टेक्निकल स्किल में कमांड अच्छा है तो उनको मेरे को लगता है कि शायद अगर 4 महीने का कोर्स है 5वें महीने से अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरे को 6 महीने लगा, फिर 2 या 3 हफ्ते लगे प्रैक्टिस करने में, फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यू क्रैक करने में मेरे को शायद 2 हफ्ते लगे होंगे। पहला 1 हफ्ता तो इंटरव्यू कॉल्स ही नहीं आ रहे थे, फिर उसके बाद जब कॉल्स आना स्टार्ट हुए तो रिजेक्शंस बहुत सारे हुए। मतलब आई वॉज गिविंग माई बेस्ट, मतलब उस टाइम का बेस्ट हो सकता है जो कि एकदम नॉन आईटी से आईटी में तैयारी करके आया हो, बट कम से कम 5 या 6 कंपनीज से रिजेक्शन तो मिली होंगी। मतलब हाँ, लगभग आप बोल सकते हो कि पहला ऑफर लेटर आने में कोर्स स्टार्टिंग से लेके 7 मंथ्स लग गया होगा लगभग। फिर भी मतलब ऐसा देखा तो ज्यादा टाइम नहीं, अगर एक नॉन आईटी से आईटी में मूव होना है तो 7 मंथ्स इज फेयर इनफ। उनको थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। बाकी जो फ्रेशर्स हैं 1-2 साल में रियलाइज कर लेते हैं दिस इज नॉट माई प्लेस, तो उनके लिए 2-3 महीना भी, 4-5 महीने आई गेस 6 मंथ्स पकड़ के चलो, एक आईटी का जॉब मिलने के लिए 6 मंथ्स पकड़ के चलना अच्छा है। मेरे लिए 7 मंथ्स हुआ तो वेल इनफ, गुड इनफ पहला ऑफर लेटर के लिए। वैसे ज्वाइन करने में फिर 3 महीने का नोटिस भी था तो ज्वाइन करने तक मे बी 9-10 महीने हो गए होंगे। तो कृष्णा आपको क्या लगता है, मतलब आपने कोर्स लिया और आप नॉन आईटी में थे, तो अगर किसको नॉन आईटी से आईटी में आना है तो आपको क्या लगता है कि उसको क्या सीखना चाहिए, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है जिससे वो एटलीस्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आ सकता है नॉन आईटी से? मेरा पहला रिकमेंडेशन तो रहेगा कि कम से कम मैनुअल टेस्टिंग थ्रो कर लो आप पहले, क्योंकि नॉन आईटी में मेरे को नहीं लगता ऐसे स्क्रम अजाइल मॉडल ये सब सिखाते हैं, ठीक है, चाहे वो कनबन मॉडल हो गया, अजाइल मॉडल हो गया, फिर वाटरफॉल मॉडल, ये सब चीज़ें भी नहीं सिखाते हैं और ऐसा काम भी नहीं करता। स्क्रम बेसिकली जैसे 15 मिनट का स्टैंड अप कॉल होता है, स्प्रिंट प्लानिंग होती है, स्प्रिंट होता है 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना जो भी है, कनबन मॉडल में हुआ तो मोस्टली यूजर स्टोरी बेस्ड होता है, तो ये सब चीज़ें भी नहीं पता है नॉन आईटी वालों को फ्रैंकली टेलिंग, कि कैसे एक सॉफ्टवेयर को प्लान करके उसको मॉड्यूल्स में बांटा जाता है और मॉड्यूल्स के छोटे छोटे हिस्से किया जाता है, डिफरेंट डेवलपर्स को दिया जाता है और उस डेवलपर जब डेवलप करने के बाद उसको टेस्टिंग करता है टेस्ट इंजीनियर। तो ये जो स्प्लिटिंग सब होता है छोटे छोटे हिस्सों में, ये सब चीज़ भी एक नॉन आई टी बंदों को नहीं पता रहता है। तो एक मैनुअल टेस्टिंग चीज़ें, ये सब चीज़ें दीज ऑल थिंग्स आर प्रोसेस ओरिएंटेड, कम से कम ये चीज़ पहले पता हूँ। फिर टेक्निकल चीज़ें कि एक वेबसाइट हो गया वो कैसे हो, अगर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हो गया, विंडोज एप्लीकेशन हो गया, वो कैसा टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद डेटाबेस बैकएंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, API क्या होता है, तो ये बेसिक चीज़ें सीखें पहले और फिर कोई भी एक अच्छा सा कोर्स लें, पहले डिसाइड कर लें। मेरा ऐसा रहेगा कि आप अगर मैनुअल टेस्टिंग करना चाहते हो, मेरा रहेगा कि मैनुअल टेस्टिंग पहले सीख लो, पहले आपको जाना हो नहीं हो मैनुअल टेस्टिंग, एंड फिर क्या कहते हैं, मेरे को नेक्स्ट ईजी लगता है कि ETL टेस्टिंग, क्योंकि एक ही लैंग्वेज है SQL सीखना है। फिर ऑटोमेशन हो गया तो आप जावा सिलेनियम कर सकते हो, पाइथन सिलेनियम कर सकते हो, सिलेनियम इज अ फ्री सोर्स इसीलिए पॉपुलरली एक्सेप्टेड है, वैसे और भी कई हैं, प्लेराइट हो गया, ऐसे बहुत सारी कई और टूल भी हैं, ऐसे कई सारी टूल हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, बट मोस्टली सिलेनियम इज मोस्ट पॉपुलर, तो वो सीख सकते हो आप। ऑटोमेशन करना हो, ETL टेस्टिंग सीखना हो तो आप SQL तो सीख ही सकते हो, विच इज़ अ लैंग्वेज एनी वे, क्वेरी लैंग्वेज है, तो SQL सीख सकते हो और कोई भी एक ETL टूल सीख सकते हो, कोई भी एक डेटाबेस सीख सकते हो। ऑब्वियसली आप SQL प्रैक्टिस करो तो किसी एक डेटाबेस में प्रैक्टिस करोगे, तो Oracle एंड MS SQL जो कि माइक्रोसॉफ्ट का MS SQL है और MS SQL है, MS SQL हो गया और Oracle SQL, ये दो बहुत मोस्ट पॉपुलर हैं, तो इन दोनों में से कोई एक अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे SQL एज अ लैंग्वेज तो सेम ही है, वैसे डेटाबेस के हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होती रहती है, बाकी सब सेम है। तो उस तरह से मेरे ETL टेस्टिंग में जाना हो तो SQL स्ट्रांग हो जाए एंड कोई एक ETL टूल सीख लो, तो उस हिसाब से यू कैन लर्न एंड डू। एंड ऑटोमेशन हो गया तो जावा आप सीख सकते हो, अगर आपका जावा बैकग्राउंड ऑलरेडी है, कॉलेज में अच्छे से रहे हो, उसमें कोई प्रोजेक्ट किया, जावा स्ट्रांग है तो जावा सेलेनियम हो गया, या अगर पाइथन है तो पाइथन सेलेनियम हो गया, तो इस तरह से ऑटोमेशन पकड़ सकते हो, ETL पकड़ सकते हो। बिग डेटा में एकदम से रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप नॉन आईटी से डायरेक्ट बिग डेटा में आ जाओ,
तो वो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप ऑटोमेशन चाहते हो तो चूज कर सकते हो, वेब ऑटोमेशन हो सकता है या मोबाइल ऑटोमेशन हो सकता है, वैसे तो आप अच्छे से चूज करके फिर उस तरह से तैयारी कर सकते हो। एंड जैसे आप सीख जाते हो, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आप सीख जाते हो गुड इनफ इंटरव्यू लेवल पे सीख जाते हो, तो फिर आप बहुत जल्दी उसके आसपास की चीज़ें सीख सकते हो। क्यों, जैसे मैंने सोचा है कि अगर आप जावा सेलेनियम सीख जाते हो, एक वेबसाइट ऑटोमेशन सीख जाते हो, तो मोबाइल ऑटोमेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए, बहुत आसानी से सीख सकते हो। तो उस हिसाब से उसके आसपास के टूल हो गया कोई भी सेलेनियम के अलावा भी, तो वो भी आप जल्दी जल्दी सीख पाओगे। और अगर आप ईटेल टेस्टिंग सीख जाते हो तो उसके आसपास हो गया डेटा वेयरहाउस टेस्टिंग हो गया, डेटाबेस टेस्टिंग हो गया, बीआई टेस्टिंग हो गया, विच इज़ समवेयर क्लोज क्लोज, तो उसके आसपास की चीज़ें आप फटाफटाक सीख जाओगे, ऐसा मेरे को लगता है। कोई एक चीज़ एक अच्छे से पकड़ के सीख लिया आपने, उसके आसपास की चीज़ें ना आप आराम से जल्दी जल्दी सीख सकते हो। तो वैसा मेरा अप्रोच है, एंड आई वुड ऑलवेज रिकमेंड एडवाइस कि इस तरह से आप सीखो, एक फोकस चीज़ सीख लो, उसके फिर आसपास की चीज़ें जल्दी जल्दी सीख जाओगे। बट ऐसा क्लटर्ड ले में ये भी सीखना ये भी सीखना ऐसा करोगे तो फिर आप मेंटली भी डिस्टर्ब रहोगे, भाई इतनी सारी चीज़ सीखनी है, ओवरवेलमिंग हो जाएगा, वो परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। उस हिसाब से एक चीज़ फोकस करके अच्छे से सीख लो। एंड कोर्स लेना, कोर्स लेना ऑलवेज रिकमेंड रहेगा, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, एक कोर्स ले लो, बट महंगा नहीं, आराम से सस्ता टिकाऊ ले लो। एंड उससे पहले मैं बोलूँगा कि आप अच्छे से रिसर्च करो, यूट्यूब में जो फ्री सोर्सेज हैं उनसे पहले सीखो और जानो कि मेरे पर्सनालिटी में क्या सूट करता है। ज़्यादा टाइम मत लो, एक हफ्ता अच्छे से कम 15-20 घंटे रिसर्च करो, अच्छे से डिसाइड करो, उसके बाद फिर डोंट लुक बैक। आपने वो स्टार्ट किया वो ख़त्म करो अच्छे से, चाहे ऑनलाइन कोर्स लो ऑफलाइन कोर्स लो, उसको अच्छे से ख़त्म करो 1-2 महीना में, उसके बाद इंटरव्यू दो क्रैक करो, उसके बाद आगे सोचेंगे। एक बार आप जॉब स्टार्ट कर दो तो उसके बाद सोचना कि और कुछ क्या करके सीख सकते हैं करके, नहीं तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो जाता है। या नहीं, मैं कम्प्लीटली अग्री करता हूँ जैसे आपने बोला। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं ऑटोमेशन में, जैसे मैंने भी पहले जावा सीखा था, तो एक बार जावा सीख लिया ना, अभी मैं जावा स्क्रिप्ट भी सीख लिया हूँ, तो वो ट्रांजिशन इजी हो जाता है, क्योंकि हमको पता है कि कंसेप्ट तो सेम है, सिर्फ थोड़ा बहुत सिंटैक्स चेंज हो जाता है। तो एक जगह से दूसरी जगह मूव होना बहुत ईजी हो जाता है अपने लिए, अगर आप एक जगह पे मतलब अच्छे से कर रहे हो तो। सही है एकदम। तो कृष्णा, तो फिर आपने एक कोर्स कर लिया, बराबर आपने कोर्स कंप्लीट कर दिया, ठीक है, और आपको कोर्स से समझ में आ गया, लेकिन एक जॉब ढूंढना एक अलग ही एक्सपीरियंस है, बराबर। तो आपने उसके बाद क्या किया, मतलब आपने अपना रेज्यूमे अपडेट किया, लिंक्डइन किया, या कोई जॉब पोर्टल यूज किया जहां से आपको जॉब मिला? क्योंकि कोर्स करना एक पार्ट हो गया, लेकिन एक जॉब ढूंढना एक अलग ही प्रोसेस है अपने आप में। सही बात है। हाँ, तो मैंने क्या किया कि मतलब कोर्स में ही मोस्टली, अगर आपने एक अच्छा ट्रेनर से अच्छे इंस्टीट्यूट से लिया है तो कोर्स में ही सिखाते हैं कि रेज्यूम कैसे बनाना है, वैसे वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते हैं। तो आप उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करने से अच्छा रहेगा, मतलब थोड़ा बहुत एकदम अलग ही मत करो। जैसे वो लोग टेम्पलेट सब बताते हैं, थोड़ा जो कीवर्ड्स होते हैं वो सब चीज़ें आप क्या कहते हैं वहाँ से ले सकते हो, विच इज़ वेल एंड गुड इनफ। आप थोड़ा उसको ट्विक कर सकते हो, अपने वर्ड्स के हिसाब से लिख सकते हो, एंड वो कोर्स में शायद आपको बहुत सारी चीज़ें ऐड करने के लिए बोले। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो कुछ चीज़ें निकाल सकते हो, कुछ चीज़ें आप जानते हो, अगर आप नॉन आईटी में भी हो तो उसकी भी कुछ कुछ चीज़ें जो आपके प्रोफाइल को अच्छा दिखाएंगी तो वो चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। बट ऐसे एकदम से ऐसा मत कर देना कि वो ही चीज़ आपको फंसा दे इंटरव्यू में। मेरा ये एडवाइस पक्का रहेगा कि वो एक चीज़ आपको फंसानी नहीं चाहिए, आप जस्टिफाई करना चाहिए कि कैसे ये चीज़ मैंने सीखी या फिर कैसे वो चीज़ मैंने यूटिलाइज़ किया अपने करियर में। वो चीज़ आप कन्विंस कर पाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेज्यूम मोस्टली वो लोग सिखाते हैं, और आप अच्छे से अगर रेज्यूम अच्छे सही तरह से, क्योंकि आपने जो सीख जो आप पहला फर्स्ट जॉब का या नॉन आईटी का जो रेज्यूम था वो तो आप पूरा हटा ही दो, वो बिल्कुल यूज़ ही मत करना। उसका टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो, उसके वर्ड्स लेटर्स कुछ भी, ऑब्वियसली जो आपने कोर्सेस किए मतलब बीटेक किया हो 10th 12th, वो सब चीज़ें ठीक है, आपकी जो वर्डिंग्स है वो चीज़ें पूरी हटानी पड़ेंगी, पूरा एक फ्रेश बनाना ही मेरा अप्रोच रहेगा। कि जो पूरे जो टेक्निकल चीज़ें आपने सीखी हैं, आपका प्रोजेक्ट जो किया हो, वो कोर्स में भी प्रोजेक्ट किया हो या अलग से और भी कुछ सीख के प्रोजेक्ट किया हो, वो सब चीज़ें अच्छे से डालें, अपने स्किल सेट अच्छी तरह एक्सप्लेन करें, वो सब चीज़ें अच्छे से रेज्यूम बनाएं। फिर उसके बाद लिंक्डइन एक अच्छा सोर्स है, वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया तो मैं अपने से नहीं बोलूँगा कि मैंने लिंक्डइन से जॉब मिला है, मुझे नहीं मिला है। अभी जिस लेवल पे मैं आ गया हूँ और जिस तरह मेरा प्रोफाइल थोड़ा दिखता है, तो उस तरह से अभी मुझे खुद लिंक्डइन में मैसेजेस आते हैं कि ये जॉब है अप्लाई कर लो इंटरव्यू दो करके। तो वैसे अभी मतलब दुनिया ऐसे चेंज हो गई, पहले हम अप्लाई करते थे, अभी कंपनी हमें पूछ रही है, तो उस तरह से थोड़ा चेंज हुआ है। मतलब जो भी थोड़े बड़े बड़े एचआर्स हैं जिनको दिखता है मेरा
ऐसा प्रोफाइल है तो वो लोग मैसेज कर देते हैं, मतलब मैं देखूंगा हर हफ्ते एक दो मैसेज तो आते हैं मुझे तो, बट मैंने लिंक्डइन से मैंने जॉब नहीं मिला है मुझे एक भी, या इंटरव्यू कॉल भी नहीं आया, शायद मैंने सही तरह ट्राई नहीं किया हो, तो मे बी कोई एजुकेटेड बंदा है मेरे को सिखा सकता है लिंक्डइन से कैसे जॉब लेना है तो अच्छा रहेगा, मेरे को मैं सीख सकता हूँ। तो मैंने मोस्टली नौकरी एंड मॉन्स्टर, ये दो चीज़ मैं बोलूँगा जिससे मैंने जॉब ढूंढा था, और वहाँ पे भी आप सही तरह से अपना स्किल को प्रेजेंट करना जरूरी है, जिस तरह से आपको सही कॉल्स आ सकें, ज़्यादा कॉल्स आ सकें, तो उस तरह से थोड़ा बहुत आपको इस तरह से प्रेजेंट भी करना पड़ेगा जैसे मतलब थोड़ा बहुत झूठ लग सकता है बट आप जस्टिफाई कर सको अपने टेक्निकल स्किल्स और इंटरव्यू से, ठीक है। वहाँ पे कुछ ऐसा मत लिख देना जो कि आपको ही खा जाए, बट थोड़ा सा झूठ बोल सकते हो, बट वही चीज़ आपको बैकअप करना पड़ेगा इंटरव्यू में अपना परफॉर्मेंस देख के, अपना स्किल सेट अच्छे से दिखा के। तो आई डोंट थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इंटरव्यू आपका स्किल सेट जानने के लिए हो रही है, आपका कोई डिटेक्टिव कोई आपको ढूंढ के इंटरोगेशन तो नहीं कर रहा है, तो उस हिसाब से अच्छा नौकरी प्रोफाइल बनाओगे, मॉन्स्टर प्रोफाइल बनाओगे, अच्छे कीवर्ड्स यूज करोगे, स्किल्स जो आपके हैं, जो भी टूल्स हो गए, लैंग्वेजेस हो गए, वो आपको अच्छे से हाईलाइट करोगे, उसका प्रोफिशिएंसी लेवल अच्छे से हाईलाइट करोगे, तो कॉल्स अच्छे आते हैं, आप अप्लाई भी करते रहो, हर दिन ढूंढ के अप्लाई करना, अपना रिज्यूम अपडेटेड रखना, कुछ नया चीज़ सीखते हो तो उसको ऐड कर देना और रिज्यूम अपडेट करके भेजना। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने जर्नी में की थी कि ये सब जानना, ये सब मैंने फॉलो किया था। इनिशियल स्टेज में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट रहा था ये सब चीज़ थोड़ा पकड़ने के लिए, उतना फास्ट चीज़ें चलती हैं तो, क्योंकि आपको लगातार टक 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 कॉल आते रहेंगे, आपको इंटरव्यू शेड्यूल होता रहेगा, आपको याद भी नहीं रहेगा इस टाइम में ये शेड्यूल किया है, उस टाइम वो शेड्यूल किया है, तो अच्छे से पेन पेपर लेकर के नोट करना, इस कंपनी को इस टाइम पे बोला है, ऐसे करना है, तो थोड़ा ये चीज़ प्लानिंग से अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं तो वो स्टेज भी बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, बहुत हो जाता है, और फिर रिजेक्शन जो होती हैं उसको फेस करने का अलग मोटिवेशन चाहिए रहता है, तो आपका कोई दोस्त हो जिनसे आप बात कर सको, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके साथ भी कोई और प्रिपरेशन कर रहा हो ना, तो बहुत अच्छा रहता है, उस एनवायरनमेंट में रहोगे तो एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे। बट ये है कि अच्छे से मोटिवेटेड रहना है, गोल ओरिएंटेड रहना है कि हमें जॉब चाहिए नेक्स्ट दो महीने में, तो वो गोल ओरिएंटेड रहना जरूरी है, क्योंकि कि दोस्त ऐसे भी होते जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो वैसे दोस्त नहीं चाहिए, ऐसे दोस्त चाहिए जो आपको फोकस्ड रख सकें, जिसके साथ आप मन हल्का कर सको, अगर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है उसको शेयर करके मन हल्का कर सको, एंड दोनों गोल ओरिएंटेड रह करके अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, तो उस हिसाब से बहुत। एंड इवन मैंने देखा है दोस्तों में, अगर आप दोस्त हों तो उसमें क्या होता है कि समझ लो मॉक इंटरव्यू जैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बंदा क्वेश्चन पूछता है, एक बंदा आंसर देता है, आप उसको कुछ नहीं, अगर आपका दूसरा जो दोस्त है वो नॉन आईटी से है वो क्या ही मदद करेगा, तो आप खुद के मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके सुन सकते हो कि मैंने कौन से क्वेश्चन का आंसर अच्छा कर सकता हूँ, इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो उसको आप और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिस कुछ कुछ हैं चीज़ें जो मैं फॉलो करता था विच हेल्प मी अलॉट, तो उस हिसाब से एटलीस्ट पहला आईटी इंटरव्यू क्रैक करने पहले कुछ बहुत मदद किया, फिर उसके बाद अभी तो शायद इट्स डिफरेंट बॉल गेम, ज़्यादा आसान लगने लगे, क्योंकि जैसे आपने बोला ना कि अगर कोई दूसरा बंदा भी अगर इंटरव्यू दे रहा है आईटी का, तो उसका एक्सपीरियंस भी आप लोग ले सकते हैं, भाई तेरे को कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे, क्या क्या पूछ रहे, और एक टाइम के बाद ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हम लोग अगर तीन चार इंटरव्यू देते ना तो हमको भी समझ में आ जाता है कि यही सेट ऑफ क्वेश्चन है जो मुझे पांचवे इंटरव्यू में पूछने वाले हैं, सही है, वही प्रिपेयर करके चाहूंगा। मेरे को तो ऐसे ही लगता है कम से कम 80% सेम ही हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट तो वही है, 80% 90% सेम हो जाते हैं, बाकी थोड़े बहुत सिनेरियो बेस्ड कंपनी बेस्ड थोड़ा चेंज हो सकता है, बाकी सब सेम रहता है। बहुत अच्छा आपका रियलाइजेशन, अच्छा। तो फिर कृष्णा, आपने कोर्स कर दिया, पोर्टल्स पे रेज्यूमे डाल दिया, बराबर है, लेकिन आपको और एक प्रॉब्लम थी यहाँ पे, बराबर, एक तो पहला कि आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, बराबर, तो आपको एक्सपीरियंस नहीं था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, तो फिर आपको वो फर्स्ट ऑफर कैसे मिला, क्योंकि उन्होंने भी तो पूछा होगा ना कि मतलब आप नॉन आईटी से हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का पता नहीं, तो उन्होंने भी ये सब पूछा होगा, तो ये प्रॉब्लम फिर आपने कैसे ओवरकम की और फिर आपने फर्स्ट ऑफर ले लिया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में? हाँ, वहाँ पे मैंने थोड़ा फेक किया, मैंने बोला कि मैं एक दो साल से मैंने टेस्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोर्स में तो 6 महीने लगा लिए हैं, तो 6 महीने का तो टेस्टिंग एक्सपीरियंस है मेरा, और मैंने एक बोल दिया कि चलो 1 साल से मेरा टेस्टिंग एक्सपीरियंस है, मैं इसी में काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उतना अपने आप को स्किल बना लिया था, अगर मैं थोड़ा झूठ बोल रहा हूँ तो क्या कहते हैं, अपना स्किल सेट दिखा रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द डे मेरे को नहीं लगता उनको कोई फर्क पड़ता है, अगर आप काम अच्छा करके दे रहे हो तो वो दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि उस टाइम तक मैं समझ गया था, फिर जैसे एक दो ऑफर लेटर आने लग गए
फिर मैं समझ गया था भाई इनको स्किल चाहिए, क्योंकि आजकल की दुनिया डिग्री भी आजकल मैंडेटरी नहीं है, थोड़े टाइम में वो भी चला जाएगा, लोग कोर्स करके ही जॉब लेने वाले हैं. तो द वे द वर्ल्ड इज ट्रांजिशनिंग, द वे आई टी इज गोइंग, द वे टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग, मेरे को लगता है कि ये चीज़ अच्छी है बहुत, कि डिग्री एक मैंडेटरी चीज़ नहीं रहनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस एक मैंडेटरी चीज़ नहीं रहनी चाहिए. अगर कोई 10 साल से एक्सपीरियंस है, बट मैं अगर 2 साल का एक्सपीरियंस बनता हूँ और मैं उससे अच्छा डिलीवर कर सकता हूँ, कंपनी को अच्छा ग्रो कर सकता हूँ और अच्छा काम कर सकता हूँ, तो क्यों ना अपॉर्चुनिटी दिया जाए. तो उस हिसाब से फिर तब तक रियलाइज़ हो गया था मुझे, एंड फिर मैं जब काम भी करने लगा तब भी मेरे को रियलाइज हुआ कि ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकते हैं बट स्किल मेरा ज़्यादा अच्छा है. मतलब मैं ऐसा प्राउड होके नहीं बोल रहा हूँ, विच इज़ अगेन म्यूचुअली आपको पता चल जाता है नहीं कि कौन कितना जल्दी काम कर रहा है, कौन कितनी सीक्वल्स लिख रहा है, कौन कितना अंदर तक टेस्टिंग कर रहा है. तो उस हिसाब से मुझे पता चल गया था कि मैं कुछ ज़्यादा स्पीड में ही सीख रहा हूँ, ज़्यादा स्पीड में कर रहा हूँ. तो एट वे मेरे को अपने आप पे थोड़ा अच्छा लगा कि 4 साल गए तो गए, बट अभी जिस तरह से सीख रहा हूँ बहुत अच्छा है मेरे लिए करके थोड़ा फेक कर दिया था वहाँ पर मैंने. और आपका नोटिस पीरियड कितना था वो कंपनी में? फर्स्ट कंपनी 3 महीने का, मैं 3 महीने का था. अच्छा, तो वो तो और एक प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि लोग एचआर का कॉल आता है, हम लोग बोलते हैं 90 डेज, तो उधर ही बोलते हैं ओके विल गेट बैक टू यू, और वो बस अभी कॉल करते तो वहां पे मैंने ऐसा था कि मेरा सिंस सेम मैनेजर के अंडर मैंने काम किया व्हिच इज ऑल 4 इयर्स, तो वो मैनेजर थोड़ा अच्छा था मेरे साथ. एंड क्यों मतलब कुछ चीज हो सकती है जो मे बी ही सीम्ड ही इज़ अ गुड गाय, एंड मे बी सेलेक्शन उस टाइम में भी इंटरव्यू भी उनने लिया था, मेरा मैनेजर राउंड जो था पहला कंपनी का इंटरव्यू, तो वो इंटरव्यू भी उनने लिया था. एंड उनका थोड़ा पर्सनल अभी रैपो बिल्ड हो चुका था, 4-4.5 साल हो चुकी हैं, इतने सारे टीम आउटिंग जा चुके हैं, इतने सारे लंच डिनर, इतने सारे पार्टीज कर चुके हो एक साथ, तो दैट वे मेरे को लगता है कि वो एक रिलेशन तो बिल्ड हो चुका था. ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि एकदम तुम दोस्त ही बन जाओ, नहीं, बट ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल भी रहा और थोड़ा एक पर्सनल टच भी हो चुका था, तो उस हिसाब से मेरे को पता था कि वो थोड़ा मेरा नोटिस कम करवा देंगे. एंड फिर जब मैंने इंटरव्यू देने लगा, और ये भी एक चीज़ था कि मैं 90 डेज नहीं बोलता था, मैं 2 मंथ्स बोलता था, ठीक है, क्योंकि मुझे एक थोड़ा भरोसा था कि हाँ कम कर देंगे. और ऐसा भी था कि मैं एक इंटरव्यू के बाद तो सीधे से रुख खत्म नहीं कर लूँगा, मैं दूसरे इंटरव्यूज भी दूंगा, तो मे बी अगर एक ऑफर लेटर आ जाए तो उसके बाद पेपर डाल दूँ, मतलब अगर पेपर डाल दूंगा नोटिस पीरियड स्टार्ट हो ही जाएगी, उस बीच में मैं देता रहूँगा. तो मे बी 2 महीना अगर मैंने बोला है, और इफ दे आर अभी सिंस मैंने जब क्या कहते हैं रिजिग्नेशन डाला, तो फिर उनने इंटरव्यू किया मेरे साथ, एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी मैंने बोला, ऑब्वियसली मेरे पास ऑफर लेटर था नहीं जब मैंने डाला, ठीक है, वो 90 डेज है, बड़ा है, मेरे को भी ये प्रॉब्लम फेस हो रहा था कि एचआर को अगर 90 डेज बोला तो प्रॉब्लम है. तो बट ये एक भरोसा था दिल में कि 90 डेज में 3 महीने में तो मिल ही जाएगा यार, और फिर उसका बैकअप प्लान के लिए ये थोड़ा एक टच ही है मेरे लिए बहुत. तो मेरे को बहुत डर लग रहा था कि हो पाएगा कि नहीं, क्या होगा नहीं होगा, ऑलरेडी क्योंकि 5-6 इंटरव्यू दे चुका हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, रिजेक्शन तो आ रही हैं, रिजेक्शन मतलब एक आपको पता भी नहीं चलता ना, बताते भी नहीं कॉल करके कि यार आप रिजेक्ट हो गए, कुछ कॉल बैक नहीं, एक थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता बंदा. तो उस टाइम पे बट मैं सोच रहा था ना मेरे से काम ठीक से हो पा रहा है, क्योंकि वो भी फोकस नहीं कर पा रहा, पढ़ाई ठीक से हो नहीं पा रही, इंटरव्यू ठीक से हो नहीं पा रहा, तो उस वजह से मैंने सोचा थोड़ा मतलब रेजिग्नेशन डाल ही देते हैं, क्योंकि एक वो पता था जितना मेरे को कि नोटिस पीरियड में इतना काम नहीं करना होता है. तो वो चीज़ को लेके फिर मैंने सोचा, फिर मैंने एक पापा से बात किया, थोड़ा पापा से नहीं, पहले मैंने मम्मी से बात किया कि क्या कहते हैं मैं कंपनी छोड़ दूँ, 3 महीने का टाइम है, अगर कुछ नहीं हुआ तो और 3 महीने मेरे को खिला सकते हो क्या घर पर बिठा के. ऑब्वियसली लड़कों का वो डर रहता है, पता नहीं लड़कियों के लिए शायद ईजी होगा, बट ऑब्वियसली किसी को डीमीन नहीं कर रहा हूँ मैं, बट लड़कों को वो बहुत डर रहता है कि अगर हम नहीं कमाते हैं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, हम नहीं कमाते हैं तो मतलब सब लोग देखते हैं कि ये घर को संभालेगा, ये कमाएगा, ये करेगा, तो वो एक प्रेशर रहता है मेरा. कभी ऐसा मतलब किसी ने दबाव तो नहीं डाला, कभी किसी ने कहा नहीं कि तू पैसा नहीं कमाएगा तो ये वो करके, बट मेरे को हर समय एक द फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी था कि मैं हर समय कमाऊँ ये वो, तो उस वजह से मेरे को एक थोड़ा डर था. तो उस वजह से मैंने फिर पापा से पूछा, मतलब मम्मी से पहले पूछा, मम्मी ने मतलब मैं बात करते करते वो उस टाइम रोने लग गया था, ऑब्वियसली इतने बड़े होने के बाद तुम माँ के सामने रो नहीं सकते, बट फिर भी मैं थोड़ा रोने लग गया था. फिर उस टाइम मम्मी ने थोड़ा, मम्मी भी देखती है बेटा रो रहा है तो मम्मी भी थोड़ा ऐसे हो जाती है, उस टाइम फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है पापा से बात कर ले. फिर मम्मी ने कॉल लगाया, फिर मैंने पापा से बात किया, बट एक चीज़ बहुत मोटिवेटिंग चीज़ थी बहुत, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को ना तो प्लीज़ ये ध्यान रखना
कि जो पेरेंट्स का सपोर्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो एक चीज़ मैंने बोला था, पापा अगर 3 महीने में जॉब नहीं मिला, क्या मेरे को और 3 महीना घर में बिठा के खिला सकते हो क्या? तो आई बार्गेन्ड फॉर 3 मंथ्स. वो वर्स्ट के सिनेरियो था कि 6 महीने तक मेरे को जॉब ना मिले. 3 महीना नोटिस हो गया, 3 महीना और 6 महीना. मुझे इतना पता था 3 महीने के अंदर अंदर नोटिस के अंदर अंदर जॉब मिल जाएगा, बट फिर भी मेरे को एक डर था, तो मैंने 3 महीना और मांगा. बट पापा ने जो मैंने 3 महीना और मेरे को बिठा के खिला सकते हो क्या ऐसे मैंने पूछा, तो पापा ने बोला 3 महीना 30 साल भी अगर होगा ना, मैं तेरे को खिलाऊंगा. ठीक है, तू मेरा बेटा है, मैं तेरे को खिलाऊंगा. एंड तू नहीं, तेरा अगर शादी होगी, तेरी फैमिली होगी ना, तो उनको भी मैं खिला लूंगा 30 साल, तू टेंशन मत ले. तो वो जो वो एक ही लाइन थी, बट उसने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दिया ना, इतना कॉन्फिडेंस दिया ना, मैं क्या बताऊँ. मतलब वो मेरे लिए सब कुछ था, पता है, वो एक सेंटेंस. तो मैं सच में पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ, जो लोग सपोर्ट नहीं करते ना, आपके बच्चे अगर कुछ करना चाहते हो, एक टाइम दो उनको और सपोर्ट करो. वो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं. बस यही है, कोई कहने वाला नहीं है कि यार तू जा, मैं हूँ तेरे साथ. और वो जब मिल जाता है ना, दुनिया फाड़ देगा इंसान. फिर मैं सच बताऊं, जब ये हुआ उसके बाद बाद एक हफ्ता भी नहीं लगा, मतलब 4 या 5 दिन के बाद पहला ऑफर लेटर आ गया मेरे. अच्छा, मतलब इतना मेरा पॉजिटिविटी चेंज हो गया, मैंने इंटरव्यू इतनी अच्छी तरह देने लग गया. मैं मेरे को नहीं लग रहा था यार इतना कॉन्फिडेंट बनता कैसे, अंदर से कहां से जग गया करके. मैं इंटरव्यूज भी इतने तड़ाक तड़ाक देने लग गया, फिर 4-5 दिन में पहला ऑफर लेटर आ गया और मेरा मोटिवेशन बढ़ गया. फिर जब वो चीज़ आप फिर ऑफर लेटर दिखाते हो, पापा को भेजते हो, व्हाट्सएप में भेजते हो, कॉल करते हो, फिर वो जो खुशी के आंसू होते हैं ना, फिर वो सब कुछ हो जाता तुम्हारे लिए. और फिर जो पापा मम्मी देखते कितनी खुश हो जाते हैं ना, वो तुम्हारे लिए सब कुछ है. मतलब मैं इतना प्यार तो करता हूँ कि उनकी खुशी मेरे लिए सब कुछ है, बाकी मेरे को और कुछ नहीं चाहिए. तो वो बहुत अच्छी फीलिंग थी मेरे लिए. तो इतना स्ट्रगल के बाद ये चीज़ बहुत अच्छा लगा. मुझे पता है, मतलब जो भी सब लोग देख रहे हैं, कृष्णा भले थोड़ा हंस के बोल रहे, लेकिन आप समझ सकते हो कि वो फेस कैसा था. मतलब इस बारे में वो बोल रहे, बहुत डिफिकल्ट फेस भी आते हैं, लेकिन मतलब कृष्णा को देख के भी मोटिवेट हो सकते हो कि ओवरकम कर सकते हो. बहुत लोग, जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स के लिए भी एक एडवाइस है, नॉर्मली हम लोग पेरेंट्स के पास जाते भी नहीं आते टाइम, हम लोग हमारे तरफ ही सोच लेते कि करना है नहीं करना है. तो वो भी एक, अभी सबके लिए अलग अलग होता, हम लोग भी नहीं बोल सकते कि जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन अगर आप अगर जा सकते हो, बोल सकते हो, आपका भी लाइफ पूरा चेंज हो सकता है, जैसे कृष्णा का हुआ यार. नहीं, अगर पेरेंट्स के पास नहीं जाते हो, कम से कम दोस्तों से रहो. और अच्छा दोस्त हो, अच्छे पेरेंट्स हो, अच्छा कोई गाइड हो जो बोले कि तू कर, मैं हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस है, बस वो अपने आप में एक बड़ा एक चीज होता है यार जिंदगी में. वो ऐसे इंसान, ऐसा रिलेशन तुम नहीं ला सकते हो जो तुम्हें बोले यार मैं हूँ ना, तू कर. फेल होगा, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 इंटरव्यू 2 इंटरव्यू 50 इंटरव्यू, अरे कोई नहीं, कर यार तू. वो कोई बोल देना फिर तो मोटिवेशन आता है. कोई नहीं यार, तू गिरा तो क्या, मैं हूं ना, संभालूंगा मैं तेरे को, पीछे पकड़ूंगा मैं, साथ में हूँ तेरे, पीछे खड़ा हूँ. वो चाहिए, बताए मेरे को पेरेंट्स से मिली, आप लोगों को कहीं से मिल सकते, बट प्लीज वैसा कोई रिलेशन या दोस्त पक्का शेयर करो चीजें, क्योंकि अपने दिल में रखने से हल नहीं होगी. और ऐसे केसेस में हम लोग ने देखा है कि मोस्ट ऑफ द लोग सक्सेसफुली हो जाते हैं, बहुत कम हो गए जो नहीं हो गए. लेकिन अगर एक बैकअप कोई दे देता है, तो हम लोग ने देखा है कि वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है लाइफ में. पक्का है, पक्का है. ये तो थोड़ा इमोशनल क्वेश्चन था, लेकिन बहुत अच्छा था. मतलब फेस डिस्कस करना, क्योंकि लोगों को हमारा करियर देख के ऐसा लगता है कि बस थका चौनी है, हमारे ऊपर पैसों की बारिश हो रही है, हमने कभी डाउन फेस देखा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है. नहीं, आगे चल के और डिस्कस करेंगे यार. इसके बाद भी सब कुछ ग्रीन नहीं होता है. अभी तक तो बहुत कुछ डिस्कशन बाकी है. तो कृष्णा, फिर मतलब आपने फिर फर्स्ट जॉब के लिए कितने इंटरव्यूज देने पड़े आपको, और जैसे आपने बोला आपने बहुत सारे रिजेक्शंस भी फेस किए, आपने कितने रिजेक्शंस फेस किए, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हो? अरे यार, वो याद करने से पता है थोड़ा इमोशनल फेस है, लेकिन एटलीस्ट लोगों को तो समझेगा कि वो लोग क्या गलती नहीं कर सकते, वो लोग एटलीस्ट आगे बढ़ पाएंगे. मुझे पता है इमोशनल फेस को याद नहीं करना चाहता, तो मैं उन पे गुस्सा हो गया, भाई आप लोग बोलते हो इंटरव्यू शेड्यूल करते नहीं करके. 400-500% तो होगा. 400-500%.